चैप्टर वन का शेष भाग रह गया था गोश्त के पर में, सुन लो इधर को, उसमें हेडिंग है सदिश क्षेत्रफल। इसका बार बार आएगा इस पूरे चैप्टर में यूज। तो किसी भी प्रश्न का एक सूक्ष्म खंड जो होता है वो सदिश क्षेत्रफल कहलाता है। और ये आ गया सूक्ष्म खंड, कोई सर छोटा सा टुकड़ा। हाँ, उसके बाद आया था अगला हेडिंग समतल कोण। हाँ, चित्र बनाओ। समतलीय कोण, देखो डी जो होता है ना, डी जो होता है वो सिर्फ दो जगह हो सकता है, तीन जगह नहीं होगा, फिर चार जगह होगा या फिर छह जगह होगा। कारण बता दो मैं तुम्हें, इस आर को ऊपर ले जाओ, इसे नीचे ले आओ, डी एस अपॉन डी थीटा। अब ये कट जाएगा एक तरीके से और ये एस अपॉन थीटा होगा। अगर तुमने इसे डी आर कर दिया, समझ गए, तो अब पहली बात तो ये डी आर हो नहीं सकता क्योंकि छोटी सी त्रिज्या होती नहीं, त्रिज्या पूरी होती है। लेकिन अगर तुमने डी आर कर दिया तो इसे काटने के बाद में डी नहीं बच सकता, समझ गए। अगर हम कहीं कहीं ऐसा दिखा देते हैं ना कि वेग बराबर क्या होता है कि विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं। अब कुछ लोग इसे ऐसे लिख देते हैं कि विस्थापन पर डेल्टा लगा दिया और समय पर नहीं लगाया, तो ये गलत है, लेकिन चलता रहता है हर जगह, ज्यादातर फॉर्मूले मिल जाते हैं तुम्हें। या विस्थापन को ऐसे लिख देंगे, समय को डेल्टा के साथ लिख देंगे, जबकि यहाँ कोई डेल्टा नहीं है, तो ये गलत हो गया। या तो फिर यहाँ डेल्टा लगाओ क्योंकि सूक्ष्म समय लिया है तो थोड़ा सा वेग होगा, या अगर यहाँ वेग परिवर्तन नहीं कर रहे हो तो फिर विस्थापन परिवर्तन होना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि आपस में बराबर अनुपात में कटने चाहिए ना। अगर कटेंगे नहीं तो कोई सा एक डेल्टा रह जाएगा, वो कहाँ जाएगा फिर। तो इसमें इसलिए अगर जो डी ले रहे हैं या डेल्टा ले रहे हैं तो वो समान अनुपात में होने चाहिए। यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ हमें, और ये चीज किसी किताब में नहीं लिखी होती है, ये तुम्हें खुद ही देखनी होती है कि हमने डेल्टा कितने लिए अपनी मर्जी से। अब कभी कभी ऐसा लिख देते हैं ये सही होता है, लेकिन सही इसलिए नहीं होता है, सही इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे वैल्यू छिपी होती है ऐसे T2 - T1। और प्रारंभ में हम कह देते हैं कि प्रारंभ में समय जो था वो जीरो था और बाद में समय टी हो गया है, तो इसलिए डेल्टा एस अपॉन टी चल जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये चल जाएगा फिर। अब देखो अगर हमने खाली यहाँ ले लिया खाली टी और यहाँ हमने बताया नहीं प्रारंभ में समय जीरो है, तो फिर गलत है ये, भैया फिर इसे हम कहेंगे समय अंतराल डेल्टा टी ही लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि फिर डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा। काट के दिखाते नहीं है, सिर्फ मैं काट के दिखा रहा हूँ कि ये इसलिए हो जाता है ये। अब यहाँ आगे जो हमने सूक्ष्म लिया, अब सूक्ष्म नहीं लेना चाह रहे हैं हम तो कहेंगे पूरा पूरा कोण लेंगे, तो पूरा पूरा कोण में कोण होता है पूरा चाप ले जाएगा और पूरी त्रिज्या ले जाएगी। और कॉमन सेंस से तुम यहाँ लगा सकते हो कि त्रिज्या को तो हम आधा कर ही नहीं सकते, त्रिज्या तो जब भी होगी पूरे वृत्त की होगी, हम कहेंगे नहीं इतनी सी त्रिज्या ले लो तो फिर वृत्त नहीं बनेगा, फिर वृत्त इतना बनेगा। फिलहाल परिभाषा लिख रहे हैं, ये सब चीज बाद में आ जाएगी। इसमें लिखेंगे किसी वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित कोण को समतलीय कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक तो बताएगा, कोण का मात्रक क्या होता है। कोण का मात्रक ना होता ये जन कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। विमान नहीं होती है। घन कोण का मात्रक, जो बोर्ड में सब बनाना है, चित्र भी कोण भी सब। लड़ो 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 जल्दी, बाल पकड़ो एक दूसरे के, मारो पटक पटक के। अच्छा हम ना बोला तुम्हें बोलते रहने क्लास में, मैं दोनों को बहाने भी निकाल दूंगा फिर। अब देखो वो कितनी इंपॉर्टेंट बात पूछ रही थी, मुझे समझ में नहीं आई तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में, पूछती रहती है वो, मेरी तो आज ही समझ में आती है। सारा लिखना है, लिखो जल्दी।
ये तुम पूछ रही थी, ये पूछने चक्कर में मैंने इससे अगला सेंटेंस बोला था, जो बोट पे वो सब बनाना है, वो इसने सुना नहीं, फिर भी पीछे वाले से भिड़ने फिर रही थी, मैंने रोक लिया। देख लो, एक्स्ट्रा बोल रही थी, उसका समाकलन कर देती एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा का। ये बात थी समाकलन, समाकलन का मतलब होता है कि बच्चे कुछ चीज जो छोटे से लिया वो और बड़ी हो जाएगी, हाँ इसलिए। और मान निकाला था सूक्ष्म चीज पर किसी पर, ऐसा सुना होगा तुमने 10 किताबों का मूल्य इतने रुपए है तो 1 किताब का कितना होगा, तो एक काम पहले निकालना पड़ता है। एडमिशन लो जाके पहले नर्सरी में, नर्सरी में एडमिशन लो दोबारा से। ये बात सही है, हम तो पहले से चुरा के ला रहे हैं। हाँ भाई, और पीछे वालों बताओ भाई, 1 रेडियन की परिभाषा सूत्र से बनाने हैं, और ऐसी परिभाषाएं बीच में हमने बहुत बार बनाई है, 1 रेडियन की परिभाषा, जबकि ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है, यहां से परिभाषा बननी स्टार्ट हो जाएगी इसे देख के। बताओ जरा कितने बोलने वाले हो रहे थे, ऐसी जगह बोले करो ना, ऐसी जगह बोलने की फुल छूट है, जितना हेरा काटो चीख चीख के बोल सकते हो। हाँ बोलो, मजा नहीं आ रहा। समस्या ये है कि तुम कोण बना नहीं पा रहे हो, कोण बनने का जिक्र भी तो होना चाहिए, कि कोण का मतलब क्या होता है कि कोई रेखाएं आपस में कुछ अनुभव चीज बना रही है, वो ठीक है, ये तो साफ साफ दिख रहा है त्रिज्या चाप के बराबर है, लेकिन कोण नहीं बन पा रहा है ना, कोण का नाम आना चाहिए परिभाषा में, परिभाषा तो कोण की है। और कोई एक लाइन की परिभाषा दूसरी लाइन में नहीं जाएगी। हाँ जी, आज इस रुको मुझे बताओ, उसे क्या बता रही हो, अच्छा कुछ तो बता रही थी, अच्छा पूछ रही थी तुमसे, तुमसे पूछ रही थी, मुझे बताओ ना उसे क्यों बता रही हो, तो उसे उसे उससे मत बोलो, सीधा मुझसे बोलो। देखिए हाँ हाँ हाँ, वो कितनी उससे सुनी, हाँ तुम बताओ, तो तुम इसकी परिभाषा क्यों सुन रही थी, मुंह पर मार दिए। अरे रुक जाओ भाई, हाँ तो एक रेडियन कहलाता है, ये सही है। गाय क्या है, गाय को गाय कहते हैं, गाय को काऊ कहते हैं, हाँ जी इधर इधर जितने भी तेजी से हंस रहे हैं इतनी तेजी से कोई परिभाषा बताएगा, हाँ जी हाँ
थीटा मतलब कोण, अब बस हो गया, अरे बस हो गया, बस हो गया, अब हमारी सुनो। हाँ तुम बता रही हो, लास्ट बताओ। हाँ देखो परिभाषा यहां से बनेगी, एक रेडियन, रेडियन वह समतलीय कोण है, ऐसा बनेगी परिभाषा। क्योंकि तो परिभाषा जो पूछी है ना उसने एक रेडियन की पूछी है, एक रेडियन वह समतलीय कोण है, और इसके बाद में भी घन कोण आने वाला है, उस घन कोण की परिभाषा भी बनेगी। ये भी एक बार को चल जाएगा, लेकिन अब परिभाषा यहां से है। देखो उधर, एक रेडियन वह समतलीय कोण है जिसमें त्रिज्या के बराबर चाप, समझ गए, जितनी त्रिज्या की लंबाई होगी उसके बराबर चाप उसके केंद्र पर आंतरित करता है। ठीक है, जो त्रिज्या के बराबर चाप है उसके केंद्र पर फोकस कर देता है, तो उतना कोण जो भी बनेगा वो एक रेडियन होगा। अब चाप की लंबाई हमें नहीं पता होती है, लेकिन त्रिज्या की लंबाई किसी भी वृत्त की हम देख लेते हैं, नाप भी लेते हैं। तो अगर हमें त्रिज्या की लंबाई पता लगे 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का चाप बनाओ, और वो चाप जो दोनों ओर से लाइन खींचेंगे, जो चाप वो कोण बनाएगा वो एक रेडियन होगा। समझ गए, यहां से कि त्रिज्या के बराबर चाप उसके केंद्र पर आंतरित करता है, यह तो परिभाषा बन जाती है। एक रेडियन वह समतलीय कोण है जो जिसमें त्रिज्या के बराबर चाप, त्रिज्या के बराबर चाप उसके केंद्र पर आंतरित करता है। लिखो परिभाषा, और परिभाषा लिखनी पहले ये सब उतारना है, उसके बाद यहां लिखना है, पहले वो लिखना है। घन कोण में लिख रहे हैं, किसी गोले के पृष्ठखंड द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित कोण को, उसके केंद्र पर आंतरित कोण को उसके केंद्र पर आंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। घन कोण कहते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। अब बताओ गेंद और गोला बहुतों ने देखा था, अब रियल लाइफ में घन कोण बताओ किसने देखा है, घन कोण कहाँ देखा होगा। हाँ बताओ, सोफ्टी के ठेले पर, किस जगह पर, कौन में जो आइसक्रीम भर के देते हैं, कौन, सही है, ठीक है, जो सॉफ्टी है, सॉफ्टी का जो निचला वाला सिरा होता है, ये जो ये ना, ये वाला जो सिरा होगा ना, ये घन कोण बनाएगा, ठीक है, ऊपर वाला सिरा नहीं बनाएगा, ऊपर तो आइसक्रीम भरी होगी। यहाँ की बात, पानी तो ना रही मुंह में किसी की, कभी आइसक्रीम और सॉफ्टी का नाम सुनकर। देखो एक और तुमने देखा होगा, जब बाजार में कहीं या ठेलों पर तुमने देखो तरबूज काट के रखते हैं, वो तरबूज जो काट के खाप निकाल के रख लेते हैं ना, वो तो जो खाप निकाल के रखती है वो घन कोण नहीं है, जो उसके अंदर खाली वो रहेगा ना एरिया, ये वाला, ये घन कोण होता है। और एक और बात है, नॉर्मल, अरे यार उसके चक्कर में वो पहले खत्म आती है, उसके चक्कर में खड़े करो। नॉर्मल समतलीय कोण जो है, अगर हम पूरा समतलीय कोण घूम जाए ना, तो एक थीटा जो होता है ना वो 2π के बराबर होता है, 360 के, ठीक है, 1π में 180 होते हैं, 2 से गुणा जाएगी, 360 कोण चल जाएंगे पूरे चक्र में। समतल कोण की बात कर रहे हैं, अगर एक ओमेगा एक पूरा चक्र लगा देंगे ना, तो वो 4π के बराबर होता है, याद रखना, एक ओमेगा मतलब एक घन कोण, संपूर्ण घन कोण का मान जो होता है वो ये 4π होता है, और संपूर्ण समतलीय कोण का मान जो होता है वो 2π होता है, याद रखना इस बात को। तो कोई भी गोला है, गोले में तुम ऐसे काट कर उसके पीस करके निकाल दोगे, तो वो जो खाली जगह बचेगी वो घन कोण होगा तुम्हारा, ठीक है ना, और उसे डी ओमेगा से नहीं, नॉर्मल पूरे को तो ओमेगा से दर्शाएंगे, छोटा सा कोण होगा तो ओमेगा हो जाएगी,
फॉर्मूला घन कोण बराबर जो होता है वो पृष्ठ क्षेत्रफल और त्रिज्या का वर्ग होता है। त्रिज्या का वर्ग इसलिए किया गया था, एक दिशा तो इसके वृत्त के अंदर आ जाती है और एक दिशा उसकी ऊंचाई वाली हो जाती है त्रिज्या, तो ये स्क्वायर हो जाता है। स्टे रेडियंस का मात्रक है। अब यदि पृष्ठ खंड क्षेत्रफल से थीटा कोण बनाता है तो घन कोण का मान कितना हो जाएगा? रुको लिखो मत, जरा भी लिखो। तो घन कोण का मान जो है वो कितना हो जाएगा अगर ये थीटा कोण पर, यानी कि खाप हमने काट कर ऐसे लटक गई, हटाई नहीं है, लटकी है। अब लटकी कैसे है? लटकी ऐसे है कि पहले तो वो ऐसे थी लेकिन अब वो इतना कोण बना रही है। जब इतना कोण बना रही है तो ये वाला क्षेत्र जो वो भी थीटा कोण नीचे को आ जाएगा इतना, जो पहले यहां था, जो यहां था जब ये लटकेगी तो वो यहां आ जाएगा, यहां आ गया। अब जितना कोण ये बनेगा इतना कोण ये बनेगा। अब इसे क्षेत्रीय बाद घटकों में तोड़ेंगे क्योंकि ये सदिश क्षेत्रफल है, उधर चला जाएगा, एक इधर आएगा, इधर वाले की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो सिर्फ सामने वाला चाहिए होता है। ये तो ये ले लिया हमने, डीएस की जगह क्या हो जाएगा? डीएस कोस थीटा। तो बस फॉर्मूला वही जाएगा, घन कोण कितना हो जाएगा? डीएस की जगह डीएस कोस थीटा, और आर स्क्वायर वही रहेगा जो होना है। आगे हम परिभाषा वही आ जाती है, एक स्टे रेडियन की परिभाषा। पहले ये दोनों चित्र बनाएंगे, ये सब लिख देंगे, लेकिन उससे पहले एक लाइन और लिखेंगे, इसके बारे में बताना होता है हमें डीएस और ये। तो इसमें लिखेंगे माना, माना एक गोला जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, माना एक गोला जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है और इसके एक सदिश क्षेत्रफल और इसके एक सदिश क्षेत्रफल का पृष्ठीय खंड डीएस है, पृष्ठीय खंड डीएस है, तब घन कोण देखो उधर ये साइड में चित्र आएगा, ये दोनों उसी के सामने आ जाएंगे, फिर ये चित्र आएगा तो ये वाली बात आ जाएगी, दोनों ऐसे करके लिखने की। और फिर ये हेडिंग डाल देना एक स्टे रेडियन की परिभाषा, कौन सूरमा भोपाली है भाई साहब जो बताने वाला है परिभाषा। यदि डी ओमेगा बराबर एक स्टे रेडियन तब एक बराबर डी एस अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि डी एस बराबर जो है वो आर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार